अपने ग्रुप आप ये बोलेंगे कि आपने ड्रंकन बियर से बात करी होगी क्योंकि आप अच्छे दोस्त हैं, आपने पूछ लिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टाउनहॉल एक्टिवेट नहीं होता तब तक उसके ऊपर टारगेट यहाँ पर नहीं करा जाएगा। लकीली ये टेस्ला फार्म से दूर है, मगर क्या ये फ्री थ्रिल इनको हेल्प कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो रॉयल चैंपियन वाला बैकअप प्लान के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा यूनिकॉर्न को। क्या वो फॉल डैमेज यहाँ पर काम कर सकते हैं? निकाल देंगे, निकल जाएगा सिंगल टारगेट, इन्फर्नो भी निकाल देंगे, सीसी भी निकल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बस यहाँ से टाउन हॉल निकल जाए तो इनका मेन काम जो था वो मतलब खत्म हो जाएगा। समय देखिए कितना है, 1:10 निकलो, समय काफी सारा है। वहाँ पर टर्नर ट्रैप के अंदर भी इनके बाबेरियंस काफी सारे फंस चुके हैं। देखिए बाबरी किंग धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहे हैं। सुपर मिनियन ब्लिंप ही यहाँ पर रहने वाली है। टाउन हॉल यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है क्योंकि इनके सुपर मिनियन भटक सकते हैं क्लैन कैसल के अराउंड। ओ माय गॉड ये ईडी सुपर मिनियन लेके आए हैं, उस क्लैमर को रखा है। अच्छी चीज ये की जितने भी यहाँ पर डिफेंसिस रहेंगे उनको ट्रिगर कर देगा और टैंक भी कर देगा। दो डार्क एयर सीकिंग वाइन तो अपने ऊपर ही ट्रिगर, प्लस टोर्नेडो ट्रिगर करा दिया निक्रो। सबसे बड़ी बात वो रेड बॉम्ब्स के साथ साथ टोर्नेडो और ट्रिगर करवा दिया, कमाल कर दिया उस कोकोलून ने। अब मोनलिथ के चपेट में आ जाएगी यहाँ पर क्वीन, एक और यहाँ पर रेंज पर डिप्लॉय कर जाएगा फ्री उस सुपर विच के ऊपर है जो कि दीवार तोड़ रही है ना कि आगे जाए। फाइनली वार्डन की एबिलिटी इस्तेमाल होती हुई टाउन हॉल के ऊपर यहाँ पर बिग पॉइजन स्पेल। अच्छी बात ये कि उनकी लून ब्लिंप ने टाउन हॉल निकाल दिया, इसका मतलब वो डबल तो आ गया बट ट्रिपल आना सलमान बहुत पहले यहाँ पर आता हुआ। ड्रैगन उनके आगे, हाइड्रा उनका आगे जरूर बढ़ रहा है लेकिन अकेस्ट एयर स्वीपर यहाँ पर अपना अटैक कर रहे हैं। ब्लिंप बहुत ही आराम से टाउन हॉल कंपार्टमेंट में पहुंचती हुई नजर भी आती हुई। एंड जी हाँ, इंस्टेंटली यहाँ पर लून ब्लिंप जैसे कि हमने मेंशन करा था भाई, देखिए आप नहीं नहीं बचे हुए, नहीं नहीं निकलेगा भाई, रॉयल चैंपियन है, ट्रस्ट द रॉयल चैंपियन। ये आप जिंदगी भर सीन्स लाइक ये ओके ये राउंड तो गया, चलिए एक अच्छा लॉन्च कैरी होगा इन अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट। Tejan is still surviving. Lionheart and yes. ये मुश्किल पड़ सकती है। Wow! He connects up forward three. और यहाँ पर race drive से जरूर खत्म करना चाहेंगे Lionheart. Affiliation forward two होता है वहाँ connect और देखिए race drive से. A bit of trouble. यहाँ से carry करना चाहेंगे Lionheart is combo. दूरी काफी ज़्यादा and he managed. Pretty much. 20 seconds to go. Down back to use करते हुए nice duck. जी सबसे विशाल स्कोर था अब तक का WCC का, मगर ये देखिए लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेला गया कोई भी। अब देखिए अपने आप को थोड़ा सा पीछे पोजीशन किया और उसी के साथ एक लॉफ देखने को मिला था, मगर यॉर्कर लेंथ इस बार स्टेप लेके मारेंगे लॉन्ग ऑन, प्रस्थान कर ही रहे रॉम्बी 10 के लिए तो ऐसा लग रहा है। बॉल की तरफ और एक अच्छी लेंथ यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ टारगेट करते हुए, बट फील्डर वहां पे एक और सिक्स चाहिए इनको और इसी के साथ डेंजर जोन पहला मैच अपना जीतते हुए और रन आउट भी यहाँ पे बॉल के, बट देखिए एक अच्छा उन्होंने बाउंड्री भी रोकी वहां पे, बट यहाँ पे अच्छी डाइव लगा के व्हाट अ कैच बाय ज़ॉम्बी के साथ एक गुड लेंथ वाइड की तरफ डालते हुए। अब पावर शॉट तो लंबा लगाएंगे वो इसी के साथ हो सकता है अभी भी बड़े शॉट खेले जा सकते हैं और वो ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि डेंजर जोन पूरे टाइम एक मैच के अंदर इंस्टेंटली बड़े बड़े शॉट्स लगाना चालू कर दिया इन्होंने और एक और चौका। अच्छा ओवर मैं कहूँगा, काफी डिसेंट ओवर था ये, देखिए रन रेट से पीछे रह जाएंगे बहुत। एक लॉन्ग ऑफ की तरफ लॉफ्ट करते हुए सीधा चौका यहाँ से, अब देखना होगा कि इस बार कहाँ टारगेट करते हैं और सीधा ऑडियंस के पास जाती हुई। अच्छा शॉट्स और काफी क्लोज पहुंच जाएंगे टारगेट के, लग तो रहा है काफी क्लोज पहुंचेंगे। ओवर काफी बढ़िया गई मगर दूसरी ओवर के अंदर कुछ बड़े शॉट्स उठा लिए, मगर ये क्या कैच था, एक हाथ में कैच, मतलब जो आपका डी फाइल है वो आप हार जाएंगे जी एट द एंड क्योंकि आपके पास से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेम, बट लीजिए ट्रेड ऑफ, मतलब यू गिव मी योर क्वीन आई विल गिव यू माइन, ही विल बी हैप्पी फॉरएवर लॉन्ग टाइम है और नाइट के पास बहुत एडवांस पोजीशनिंग है। ओह वाओ ये तो चेकलक वाली सिचुएशन हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नाइट है वहां तो अरे माय गॉड ही स्टिल टारगेटिंग दैट अवेलेबल है, हर बार सेम ही कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ही चलेगा। ये एक ड्रॉ में फोर्स कर सकता है क्योंकि अगर आप सेम मूव बार-बार चलते रहेंगे जी फायदा यहां पर स्टेम को होगा नहीं और रोमन को भी नहीं। और लीजिए ट्रेड स्टेम ने बोला ड्रॉ तो नहीं होने देता, ये गेम मेरा है और मैं जीत सकता हूं, बट ऐसा तो होगा नहीं निक्रो, चांसेस बहुत ज्यादा कम है और उमंग कामदार टू है।